हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो फाइनली आई एम हियर। मैंने व्लॉग के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, सबसे ज्यादा नेहा दी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट करा, तो मैंने फाइनली आज एक व्लॉग बनाया है जिसमें मैं अपना पूरा घर आपको दिखाऊंगी। स्टार्टिंग से दिखाऊंगी। मुझे व्लॉग बनाना आता नहीं है। लास्ट जो राखी का व्लॉग था वो क्लिप्स बस मैंने दी थी, एडिट मेरे भाई ने करके दिया था, तो ये मैं खुद एडिट कर रहा है पूरा व्लॉग मैंने। तो लास्ट तक एंड तक देख के जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो को प्यार मिलेगा तो मैं आगे और बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊंगी, सो जरूर प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल। सो स्टार्ट करते हैं किचन से, क्योंकि एक्साइटमेंट किचन की होती है मेरी सबसे ज्यादा, कि आपका किचन दिखाओ, किचन दिखाओ। तो आओ, ये रहा मेरा प्यारा सा किचन, क्लीन सा। सब लोग बोलते हैं आपके किचन में कुछ काम नहीं होता, क्या हमेशा ऐसा ही रहता है? ऐसा नहीं है। अभी देखना, मैं टाइम बताऊंगी इतना टाइम होगा, इतने टाइम हम फ्री होते हैं तब हम लोग किचन इतना कर लेते हैं क्लीन। तो ये प्यारा सा किचन था, ये वॉश एरिया है, ये भी देख लो। ये वॉश एरिया है और अब चलते हैं रूम की तरफ। मम्मी जी क्या देखो, कस्टमर अभी भी। ये मेरा प्यारा सा छोटा सा रूम, मम्मी पूरा दिखा दूं। ये ऊपर सारे कबर्ड में मेरे कपड़े भरे हुए हैं, फिर भी मुझे जगह कम पड़ती है। और इधर आओ, ये माही है छोटे से, ये हम दोनों, और ये मैं। ये मेरे घर से चुरा के लिए आई थी मेरा फोटो, और ये हमारी शादी को एक साल हुआ था जब क्लिक किया था ये फोटो। और ये भी छोटी सी फोटो फ्रेम है, मुझे बहुत शौक है फोटो फ्रेम्स का। ये तो खैर कलिब्रेशन के लिए आई थी। सो अब हम दिखाते हैं हॉल, यहाँ वीडियो शूट होती है, किचन में होती है, यहाँ होती है, पूरा दिखा दो हॉल। ये छोटा सा मेरा मंदिर, प्यारा सा। छोटा सा है बट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से रखा है सिस्टमेटिकली। ये मम्मी और मेरी फोटो फ्रेम, जो भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप पास से दिखाइए, तो ये रही। और ये माही और मेरी फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम्स का मुझे बहुत शौक है, इसलिए आपको हर जगह एक ना एक फोटो फ्रेम दिखेगी। तो अब चलते हैं हम पार्लर में। पार्लर थोड़ा सा गंदा है अभी, क्योंकि मम्मी अभी काम कर रही थी, तो पार्लर थोड़ा गंदा पड़ा है, देख लेते हैं। पार्लर से पहले ये देखो, ये मम्मी यहाँ सिलाई करती है। ये मेरी मम्मी दिन भर यही बैठी रहती है मेरी वजह से, क्योंकि मेरे कपड़े होते हैं इतने स्टिच करने के लिए, और मेरे सारे ब्लाउज स्टिच मम्मी करती है। ये भी मम्मी ने किया है डिजाइन, देख लो आप, ये भी मम्मी ने किया स्टिच, और मेरे सारे ब्लाउज डिजाइन मम्मी करती है। ये हमारा मैसी सा पार्लर, यहाँ पे हम वीडियो शूट करते हैं। ये मेरी मम्मी ने स्टार्ट किया था 20 साल पहले ना मम्मी, 25 साल हो गए, 25 साल पहले, और बहुत अच्छा चलता है ये। तो अब हम यहाँ करेंगे लॉक, क्योंकि दिन भर ही घर पे कोई नहीं रहता है। हाँ, इस पे फोकस तो पहले जाएगा। ये मम्मी है, ये मम्मी के बाबूजी है मतलब पापा, ये मेरे मम्मी पापा, और ऊपर वो मम्मी का भतीजा है मीनू। अब हम यहाँ लॉक करेंगे, क्योंकि दिन भर हम ही रहते हैं घर में, सब लोग चले जाते हैं उसके बाद। तो अब ऊपर का स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग पहले बाहर का देख लेते हैं, क्योंकि फिर हम लोग सीधे ऊपर जाएंगे तो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये है मेरा बाहर से घर ऐसा लगता है। तो हम ऐसे कर देते हैं ना, मैं यहाँ पे भी शूट करती हूँ, यहाँ भी शूट करती हूँ मैं। ये उठा के लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी के हाथ में कैमरा है, दैट्स व्हाई। मेरा फर्स्ट फ्लोर जो कि रेंट पे है, ये भी रेंट पे है, ये भी, ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम में मम्मी का रूम भी, इसको बाद में दिखाएंगे क्योंकि खराब पड़ा होगा। स्टोर रूम में वैसे तो मम्मी यहाँ सोने के लिए आती है। और ये रही वो लड़की जो हमारे वीडियोस में दिखती है। कितना अच्छा बाबू, उठो
उठो उठो देखो ये है वो लड़की जिसका सब पूछते हैं ये कौन है, तो ये रेंट पर रहते हैं, ये इनकी लड़की है, बहुत क्यूट है, मैं इसको मुट्टो बोलती हूँ। इसका नाम क्या भाभी? आराध्या। आराध्या, इसका नाम आराध्या है। तो ये था फर्स्ट फ्लोर, अब हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे। क्योंकि इतना ऊपर नहीं हो पाता है कि थर्ड फ्लोर पे हम लोग कपड़े लेकर आ पाए सुखाने के लिए, तो हम लोग यही वॉश करते हैं, यही सुखा देते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों ही होते हैं घर पे दिन भर। ये भी रेंट पे दिया हुआ है, ये भी हमारा नहीं है, रेंट पे दिया हुआ, हम लोग यहाँ पर ये यूज नहीं करते हम लोग। तो ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा घर, इधर से पूरा रोड दिखता है। तो ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग है, मेरा घर बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा है। मेरी आवाज आ रही है वहाँ से? यहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल भी दिखता है। देखो वो सामने उधर, यहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल है। ये रहा बॉम्बे हॉस्पिटल एकदम पीछे वाला। तो और ये था मेरा छोटा सा घर और प्यारा सा घर। हमारा घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो कैसा लगा ब्लॉग में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे हमारा घर तो कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा बोलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा हमारा घर, ये भी बताना और ये कैसी लगी है। और अब मैं वीडियो, हम लोग वीडियो शूट करेंगे, सिर्फ नीचे जाएंगे, ब्लॉग जल्दी अपडेट करूंगी। थैंक यू बाय।